और एक कैसे हो सब लोग। आज का रेसिपी सोया चाप मसाला, सच्ची बता रहे बहुत टेस्टी और हेल्दी का पूछो मत। वो आप लोग सोचो, देखो कितना सॉफ्ट ये जूसी है और ग्रेवी तो इतना टेस्टी है। अयो रूम बनाला, तुम रेसिपी देखो कैसे बनाते। तो सबसे पहले गर्म गर्म तेल में, मतलब मीडियम हीट, या हमारा सारा सोया चाप को एक एक करके डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई होने में कम से कम 15-20 मिनट लगता। थोड़ी देर में ये सब ऊपर आएंगे तो इस पे बैठ के ऐसा तैरने का और थोड़ा और पकाने का। इसको क्या बोलते रहे धनिया भैया? गोल्डन ब्राउन। भाई गोल्डन ब्राउन। अब देखो यही तेल में दो प्याज को ऐसा फालतू टुकड़ा काट के अलग अलग करके तेल में फ्राई करने का, ज्यादा नहीं 6-7 मिनट करने का। भैया फालतू टुकड़ा नहीं, रफली चॉप्ड बोलते। ए जा, मेरे को इंग्लिश मत सिखा, मैं फालतू टुकड़ा ही बोलेगा। तो ये हमारा प्याज भी हो गया फ्राई। अभी देखो ये सारा सोया चाप का जो घुसला डंडी है उसको बाहर निकालने का। अभी ये तलेला प्याज और 3 उबलेला टमाटर को अच्छे से पीस के अलग रखने का, ठीक है। अब देखो 2 इंच अदरक, तीखे के लिए 4-5 हरी मिर्च और छोटा छोटा 8-10 लहसुन कली, थोड़ा पानी डाल के इसको भी अच्छे से पीसने का, ठीक है। तो अब मेन प्रोसेस, कढ़ाई में 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1.5 इंच दालचीनी, 2 पटेला इलायची, 4-5 लौंग और 2 उड़ता हुआ तेज पत्ता। अभी अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिलाने का। थोड़ी देर बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको फिर से मिलाने का। अभी इसमें 1/4 चम्मच हींग, थोड़ा कसूरी मेथी डाल के 2 मिनट सौते करने का। फिर इसमें 300 ग्राम दही डाल के इसको अच्छे से मिलाने का। पर मेरे को नहीं डाला। अभी तेरा टाइम नहीं आया धनिया, तू रुक थोड़ा। पक्का? अरे कुतरिया। अब हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट, इसको भी डालने का और नमक बहुत जरूरी, नमक भी डालने का। अभी मेन चीज, अभी ये सब को 10-15 मिनट तक अच्छे से भूनने का, जब तक पसीना नहीं निकलता, मतलब मसाले का तेल नहीं निकलता। तो मसाला भून गया, अभी ग्रेवी अनुसार पानी, मैंने 2 ग्लास लिया है, तुम अपना देखो। इसको अच्छे से मिला के सारा सोया चाप इसमें डालने का। अभी इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा कम लगे तो ही डालने का, नहीं तो पता है ना क्या होगा, तुम जानो और तुम्हारे पिच्चू। अभी इसको ढक के लो मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाने का। अयो फिर क्या, रेडी। अभी खाली थोड़ा ऊपर से 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर और धनिया। ये आ जा रही है धनिया। आया मैं। अभी देखो जी, ये रेसिपी में थोड़ा टाइम लगता पर सच्ची बता रहे बहुत टेस्टी। अब इसको सिंपल भी बना सकते हैं, मैं वो भी कभी बताएगा। अभी ये बना के खाओ और सब्सक्राइब करके जाओ और हाँ शेयर भी करने का जी। मैं चलता है अपना और अपना मम्मी पापा का ख्याल रखने का, ठीक है। बाय बाय।